आपने हमें कुछ ऐसा मौका दिया है हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए यूसुफ आज सेकेंड अप्रैल है 2011 की वो याद है इतने साल हो गए लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कल भी नहीं आज ही तो हुआ था कि हम वर्ल्ड कप जीते थे वो इमोशंस थे हम श्योर sure आपसे बहुत लोग ये सवाल पूछे होंगे कैसा लगा था क्या इमोशंस थे लेकिन सच बताएं तो हम फैंस के लिए वो कभी पूरा नहीं होता हम और सुनना चाहते हैं तो आपसे जानना चाहते हैं कि वट वर द एग्जैक्ट इमोशंस हम तो रो रहे थे खुशी थे आपके लिए what were the emotions? नहीं, बिल्कुल देखिए हम अपने लोगों के बीच में खेल रहे थे इंडिया में खेल रहे थे और हम सब की यही उम्मीदें थी कि हम वर्ल्ड कप जीते आ, साथ, साथ में जब सचिन पाजी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि वो जब कह, हम मीटिंग में कहते थे कि भाई आ, ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है हाँ. ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है आ, और ये जो फैंस आए हैं हमें अच्छा क्रिकेट खेलता हुआ देखने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे जीतना चाहिए आ, हमारे लिए तो सही है लेकिन हमारे फैंस जो हमें सपोर्ट करते स्टेडियम पे आते हैं घर पे जो देखते हैं उनके लिए एक एक बड़ा खुशी का मौका हमें देना चाहिए इस साल क्योंकि ये इंडिया में है और इंडिया से वर्ल्ड कप जाना नहीं चाहिए तो हम सारे उसी तरह खेलते थे और उसी तरह खेले उस पूरा वर्ल्ड कप साथ साथ में जैसा कहा आपने कि ये कली की बात है तो आप जैसे जो फ़ैन हैं और जो फ़ैन कहीं पे भी मिलते हैं वो वो बात को बिल्कुल भी भूलने नहीं देते और हमें भी वो महसूस नहीं होता कि 12 साल हो गए वो हमेशा ऐसा लगता है कि भाई ये कल की बात है और बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि देखिए 12 साल हो गए उससे पहले हम लोग वन नाइनटीन में वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद दो हज़ार में जीते तो ये बड़ा लम्हा था हम सब के लिए और वो दिल के बिल्कुल करीब है तो और आप जैसे फैंस जो है उसको भूलने नहीं देते और हमें वो हमेशा याद रहता है और बहुत दिल के करीब है एक्चुअली हम नहीं भूलने दे सकते क्योंकि हम भी कभी नहीं भूलेंगे बिल्कुल वो हम भी नहीं भूलेंगे क्योंकि वो लम्हा हमने ग्राउंड पे थे हम लोग पूरे टूर्नामेंट हम लोग जीते एक टीम होके खेले तो वो यादगार हमेशा दिल के करीब रहेगी और जब भी फैंस को ये बात करते हुए देखते हैं या सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमने वो एक मौका दिया हमारे फैंस को कि वर्ल्ड कप जीते और वो वो प्राउडली कह सके कि भाई हम लोग वर्ल्ड चैंपियन है और आ, आपने वर्ल्ड कप जीता था तो वो बहुत प्राउड फील होता है आपने हमारे लिए वर्ल्ड कप जीता था वो फैंस का इमोशन है ये सब ये नहीं पूछूंगी कि आपने पार्टी की थी ऑब्वियसली पार्टी की होगी आप वर्ल्ड कप जीते लेकिन कोई सोया उस रात नहीं बिल्कुल कोई नहीं सोया <laughs> था और बिल्कुल पार्टी की थी उसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ अचीव की थी और बिल्कुल।, बिल्कुल पार्टी की थी कोई नहीं सोया था और जो करना चाहिए वो किया था हाँ। खुशी के मौके पर आप क्या करोगे हाँ। और वो वो दिन वो रात भी याद है वो दिन भी याद है और सारे लोग जागे हुए थे और सुबह हम लोग भी जागे हुए थे कोई सोया नहीं था बिल्कुल वो बनता था हम फैंस भी नहीं सोए बट थैंक यू सो मच यूसुफ हम सबको सारे क्रिकेट फैंस की तरफ से आप सबको थैंक यू पूरी टीम को थैंक यू आप सब हमारे फर एवर हम लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का <laughs> जो इतना प्यार हमें देते और जो वर्ल्ड कप जीते उनको भी इतना प्यार देते और जो करंटली क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया के लिए उनको भी इतना प्यार देते और ये प्यार हमेशा बरकरार रखिए और इनशाला जरूर हम इस बार जो वर्ल्ड कप हो रहा है उम्मीद करते हैं कि हम फिर से वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन बने थैंक यू सो मच यूसुफ हमसे बात करने के लिए आप देख रहे थे क्रिक टाइम आउट हिंदी